कंपनी म्यूजिक चैनल। थैंक यू विशाल जी और आजाद जी, पूरे टीम, हमारे जितने भी साथ काम करने वाले, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें चुना और इस काबिल समझा कि हम इनके साथ काम कर सकें। और हम सब ने पहले भी हमने कहा कि हम सब बहुत मेहनत भी किए हैं और हमारे जो कोरियोग्राफर हैं तीरथ निशा, उन्होंने हमसे और करिश्मा से बहुत अलग अलग स्टेप्स करवाए हैं, मेहनत भी करवाए हैं। डायरेक्टर ने डे नाइट जग करके मेहनत किया है। तो हम चाहते हैं कि जितने लोगों ने सब मेहनत किया है, इसका फल ना जो हमारी जनता है, जो हमारी गाने को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो लोग देते हैं। तो निवेदन है सबसे कि आप लोग हमारे गाने को इसको प्यार दें, जो 3 तारीख को FMB म्यूजिक पर रिलीज हो रहा है। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, सब तो कह रहे हैं महाराज। करिश्मा, आप बताइए अपने बारे में, आपकी पहली बार आप भोजपुरी में फीचर कर रहे हो, वो भी एक सॉन्ग के अंदर, हैंडसम लगता है फैमिली ग्रुप के साथ, क्या बताना चाहती हैं आप अपने बारे में, कैसे आपको ये गाना ऑफर हुआ? सबसे पहले तो मैं FMD म्यूजिक कंपनी के जो ऑनर है रमेश जी, उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। मुझे जो विशाल दा है इस कंपनी के हेड, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था। उनको लगा कि एक सॉन्ग है जो मुझे करना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम करने के साथ में काम करने की कोशिश कर रहे थे, बट समाव नहीं हो पा रहा था। तो सडनली आए और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया रमेश जी से, देन मुन्ना जी से। और मुन्ना जी ने फिर जब मुझे सॉन्ग सुनाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब विशाल दा ने कहा कि तुम करोगी क्या? तो मैंने बोला ओके ठीक है करते। फिर मैं आजाद जी से मिली मैं, तो फिर साथ में काम शुरू हुआ हमारा। मुझे तो अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करते, क्योंकि काफी लोग सबने इस सॉन्ग के दौरान सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ओके रमेश जी, FMD के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मुझे बताया गया है कि भोजपुरी के साथ साथ और भी क्षेत्रीय भाषाओं में आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं के अंदर, जरा बताइए FMD के इतिहास के बारे में। पहले बात तो प्रेस के सब मित्रों का नमस्कार, और यहाँ जो भी है सुनील पाल जी आए हैं उनको धन्यवाद, और यहाँ पर जो भी टीम मौजूद है मैं थैंक्स करना चाहूँगा FMD के तरफ से। FMD ये ऐसा कंपनी है जो मैंने कोविड में शुरू किया था, बट इसका जर्नी बहुत उतर फुतर रहा, क्योंकि मैं इस जर्नी में कोविड में मैं अपना भाई को खोया हूँ जो मेरा पार्टनर था, बट फिर भी मैं वो सब पीछे छोड़ के फिर मैं 1.5 साल से म्यूजिक में काफ़ी काम किया हूँ। अभी तक मोर देन 100 सॉन्ग्स किया है FMD के तरफ से, और हमारा जो मेन चैनल है FMD म्यूजिक चैनल, जहाँ पर हमारे हिंदी और पंजाबी गाने हैं, वो सिल्वर बटन भी आया है YouTube का। तो हम एक क्वालिटी काम कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, एंड हमारा फोकस है रीजनल भाषाओं पे जोर देने का, और हमारा अलग अलग चैनल है, हरियाणवी में, बंगाली में किया है हमने, साउथ का भी कर रहे हैं, और अभी भोजपुरी में ये पहली बार मतलब करिश्मा जी को लॉन्च कर रहे हैं। करिश्मा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो काफ़ी ऑलरेडी जाना माना है, बट भोजपुरी में पहली बार आ रही है, एंड वो डेफिनेटली अपना करिश्मा दिखाने जा रही है, और साथ में मुन्ना जी भी, मुन्ना दुबे भी जुड़े हैं, तो उनका गाना भी बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनते ही। तो विशाल दा हमारा जो चैनल हेड है, उन्होंने आके मुझे बोला है कि रमेश जी हम करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा, एंड पूरा उनका एफर्ट था, उन्होंने पूरा टीम को इकट्ठा किया, टीम के साथ रात भर काम करवाया, और ये आउटपुट आपको देखने मिलेगा गाने में कितना मेहनत किया टीम ने और क्या क्वालिटी आउटपुट आएगा। मेरा स्पेशल थैंक्स टू आज़ाद जी और तीरथ जो कोरियोग्राफी किए, आज़ाद जी डायरेक्ट किए हैं, तो सबका टीम वर्क है, एंड आई थिंक ये हम ये एक ही गाना नहीं, हैंडसम लागेला के अलावा और 2 गाने भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप हमको दुआ दें, इसको सब्सक्राइब करें, और सबको अपना काम अच्छा लगा तो हम और भी बहुत सारे काम करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। सर, क्या FMD म्यूजिक भोजपुरी से फिल्में भी हम देख पाएंगे या सिर्फ गाने ही हम सुन जरूर हम अभी शुरुआत किए हैं, तो
करेंगे जरूर मूवीज के अंदर भी हम। मेरा ये तमन्ना है कि मेरा और विशाल जी का कि हम OTT पे शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, आने बहुत जल्दी। तो मेरा एक्चुअली बॉम्बे मूव, मैं बेसिकली साउथ से हूँ, हैदराबाद से, बट बॉम्बे आया हूँ यहाँ OTT खोलने भोजपुरी का। बट काफ़ी टर्निंग्स लिया और फाइनली म्यूजिक के साथ शुरू किया हूँ। बट म्यूजिक में एक एस्टैब्लिश करके हम ग्रेजुअली, ऑलरेडी मैं साउथ का मूवीज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, काफ़ी काम कर रहा हूँ, बंगाली में भी काम कर रहा हूँ। भोजपुरी में और कौन कौन से सिंगर के गाने पे आ रहे हैं अभी? भोजपुरी में आप देखेंगे सब, अभी तो सस्पेंस है, आपको सब सिंगर्स अच्छे अच्छे सिंगर्स आएंगे। सुनील भाई, सुनील भाई सवाल यह है कि जैसा साहब ने कहा, रमेश भंडारी साहब कह रहे हैं कि भाई एक OTT के लिए स्पेस है, एक भोजपुरी में, एक आपको नहीं लगता एक अच्छी OTT प्लेटफॉर्म की जरूरत है या स्पेस है? देखिए इसको मैं नॉर्मल जवाब दूंगा, मैं कहूँगा कुछ सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते देश के और इस हमारे हैंडसम लागेल को शुभकामना देते, मैं समझता हूँ कि जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते हैं, कसम मेरे को लगता है माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट एल्बम होने वाला है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ये प्लेटफॉर्म पर सलाम है भाई ने हैदराबाद से आके जो भोजपुरी में जबरदस्त काम किया है, कभी कभी लगता है भगवान नीच है, सेक्रेट है, माँ कसम हैंडसम लागेल को अपनी तरफ से यहाँ से लेके व्हाट्सएप पुल तक शुभकामनाएं, ये सब सुनेंगे और माँ कसम एक ही आवाज़ आएगी, हैंडसम लागेल लागेल शानदार।